किसान एकता करता है, किसान एकता करता है। रेवाड़ी के बावल आईएमटी स्थित HSIIDC कार्यालय में आज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की गई कि उन्हें जमीन अधिग्रहण के बदले दी जाने वाली रॉयल्टी राशि दी जाए, साथ ही रिकवरी राशि माफ की जाए। किसानों ने कहा कि करीबन 4 सालों से अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। आज भी किसानों को अधिकारियों ने बुलाया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसानों ने बताया कि उनके 9 गांव बनीपुर, आसलवास, सुठाना, सुठानी, जलियावास, चिराड़ा, करनावास, बावल की HSIIDC ने वर्ष 2005 से लेकर 2010 के बीच जमीन अधिग्रहण की थी। उस वक्त जमीन अधिग्रहण की कीमत के अलावा ये कहा गया था कि 33 वर्षों तक किसानों को 15,000 रुपये रॉयल्टी राशि हर महीने दी जाएगी और हर साल 500 रुपये प्रति एकड़ बढ़ा दी जाएगी। किसानों हमारी रॉयल्टी नहीं मिली 4 साल से, और आते हैं झूठा विश्वास देते हैं। और हमने सोचा इंडस्ट्री एरिया होगा, अच्छी सफाई रखेंगे। हमारे गांव के चारों तरफ इतनी गंदगी पड़ी, फैक्ट्री की जो भी मलबा होता ना वो गांव के चारों तरफ पड़ा हुआ है। हर गांव के अंदर इनकी फैक्ट्रियों को पन्नी हमारे गांव में पड़ी, धुआं हम खाएं, पैसे हमें नहीं मिले। सफाई इनके कर्मचारी फैक्ट्री करते हैं और गांव के पास गंदगी गह रहते हैं, मच्छी मक्खी यहाँ भड़बड़ा रही है, सारा नरक यहाँ है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? अधिकारी का, HSIIDC या हरियाणा सरकार को मान रहे हैं। अच्छा, जो आप ये रॉयल्टी की बात करें, लगभग कितने किसान प्रभावित होंगे इससे? इससे कम से कम 8-9 गांव जो प्रभावित है। मेरा गांव बनीपुर है, यहाँ कम से कम 250-300 घर परिवार इससे प्रभावित है। हमारे 2 कारण है, एक तो हमारी रॉयल्टी रुकी हुई है, दूसरा हमारे जो पैसे इन्होंने हमें दिए थे अनाउंसमेंट के, बड़े हुए प्रशासन कोर्ट के, वो वे वापसी की मांग कर रहे हैं ये HSIIDC, जिसमें हमें नोटिस भी दिया गया है, उसके हम खिलाफ हैं, क्योंकि हमारे वो जो पैसे दिए गए हैं वो न्यूनतम राशि से भी बहुत कम है और उनको भी ये वापस मांग रहे हैं। हम CM साहब से भी मिल लिए, राव साहब से भी मिल लिए, इंद्रजीत से भी, बनवारी लाल से भी मिल लिए, और इनके जो GM साहब हैं उनसे भी मिल लिए। अधिकारी पिछले 4 बार मिल चुके हमसे और उन्होंने अब तक हमें झूठा आश्वासन दिया है। पीछे हम मिले, उनको मिले 18 तारीख को मिले थे हम, तो उन्होंने कहा कि आपको 1 हफ्ते में आपकी समस्या हो जाएगा, जबकि आज तारीख होगी 2, कोई सुनवाई नहीं है। आज हमें बुलाया गया था, आज हम बगैर बुलाए नहीं, बुलाया गया था हमें आज कि आप आज आइए, हम आपको समस्या करेंगे, पर हमें आज वो नहीं मिले। उनका कारण तो वो बताएंगे क्यों नहीं मिले। हमने ये धरने की पहले लिखित में दी हुई है कि अगर हमारे समस्या आज नहीं हुआ तो हम धरने पे बैठेंगे, ये हमने पहले 1 हफ्ते पहले लिख के दिया हुआ है उनको लिखित में, और इशू हमारे पास है। बावल के लिए अधिग्रहण की थी औद्योगिक क्षेत्र के लिए, और अभी तक उसी समय से 33 साल की रॉयल्टी देनी थी। रॉयल्टी 4 साल से नहीं, कितनी बार आप इन लोगों से मिले अभी तक? मिलने तो 4 साल से लगातार मिले, लेकिन पिछले 1 महीने से तो लगातार 4 बार मिल चुके, लिखित में दे चुके अपने वो उपमुख्यमंत्री दूषण चौटाला जी आए थे, उनको भी ज्ञापन दे चुके, सारा काम बोले, अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी अभी।